हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 साइंस फाइबर टू फैब्रिक। लेकिन मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कोरोना वायरस का सबसे पहला केस हमारी इंडिया में कब पाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब चैप्टर का नाम ही है फाइबर टू फैब्रिक, तो सबसे पहले हम फाइबर्स की बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सभी हम जानते हैं कि फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो नेचुरल फाइबर्स हैं वे प्लांट एंड एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। तो अब हमें पता चल ही गया होगा कि फाइबर्स के दो प्रकार होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। यानी कि जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। अब हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो मैन मेड फाइबर्स विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस, एग्जाम्पल रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। यानी कि जो मैन मेड फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल सोर्सेस से नहीं मिलते हैं और ह्यूमन मेड होते हैं जो फाइबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, जैसे कि रेयन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। अब हम देखते हैं जो फाइबर्स हमें प्लांट सोर्सेस से मिलते हैं। सबसे पहला फाइबर है कॉटन। कॉटन इज़ ग्रोन इन ब्लैक सोयल एंड वार्म क्लाइमेट। यानी कि जो कॉटन है वो काली मिट्टी में उगता है, और जहाँ पर वार्म क्लाइमेट होता है और काली मिट्टी होती है वहाँ पर हम कॉटन को उगा सकते हैं। जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट है हमें जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, तो फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेस वूल। वूल क्लॉथ इज स्पन फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द थिक फ्लीस ऑफ द शीप। यानी कि जो वूल है वो हमें जो थिक फ्लीस, यानी कि पतला फ्लीस होता है जो शीप का, भेड़ का पतला फ्लीस से हमें जो फाइबर्स मिलते हैं, और जिनसे हम जो यार्न बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वूल बोलते हैं। सिल्क, सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द साइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वॉर्म। यानी कि जो सिल्क है एक ऐसा थ्रेड है, यानी कि जो सिल्क थ्रेड है वो एक ऐसा थ्रेड है जो हमें सिल्क वॉर्म नामक कीड़े के सलाइवा से प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ वूल्स। तो प्रोसेसिंग ऑफ वूल में चार स्टेप होती हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो होता है शीयरिंग या शीप, यानी कि शीयरिंग की प्रोसेस। फिर स्कोरिंग की प्रोसेस के बाद रोलिंग की प्रोसेस, और रोलिंग की प्रोसेस के बाद लास्ट में क्या होता है, डाइंग एंड रोलिंग। ये प्रोसेस को हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शीयरिंग। तो शीयरिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप्स स्किन। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम शीप की स्किन से वूल को हटाते हैं या फिर वूल को हम ले लेते हैं अपने यूज के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम शीयरिंग बोलते हैं। अब हम देखते हैं सॉर्टिंग। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम डैमेज्ड वूल। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम डैमेज्ड वूल से, यानी कि इसमें हम एक सरल भाषा में यह बोल सकते हैं कि वूल को सेपरेट करने की, यानी कि लॉन्ग फाइबर्स, शॉर्ट फाइबर्स, अलग अलग प्रकार के फाइबर्स की जो सॉर्टिंग, हम जो सेपरेशन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। कार्डिंग यानी कि द प्रोसेस आफ्टर द वूल हैज़ बीन वॉश्ड एंड ड्राइड, इट इज़ पास्ड थ्रू द रोलर्स दैट हैव टीथ एंड डाइड इनटू वेरियस कलर्स। यानी कि कार्डिंग की प्रोसेस को हम डाइंग भी बोल देते हैं। यानी कि जो कार्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो वूल है उसको पहले तो हम
धोते हैं और उसको सुखा देते हैं। सूख जाती है तो क्या होता है, इसको हम रोलर्स के टीथ होते हैं, यानी कि टीथ होते हैं, तो इनसे क्या होता है, जो फाइबर्स हैं वो डिफरेंट टेक्सचर्स के जो फाइबर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में निकल के आते हैं। अब हम देखते हैं रोलिंग की प्रोसेस। तो द प्रोसेस बाय विच फाइबर्स आर गैदर टुगेदर एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग रोप एंड देन ट्विस्टेड टू मेक यार्न, यानी कि रोलिंग की प्रोसेस है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फाइबर कलेक्ट करते हैं, उनको सीधा करते हैं, कुछ फाइबर टेढ़े भी होते हैं, टेढ़े मेढ़े छोटे से, तो उनको सीधा करके लंबा बनाया जाता है और उनकी एक लॉन्ग रोप बनाई जाती है, फिर उनको ट्विस्ट करके एक यार्न बनाया जाता है। तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, यानी कि जो फैब्रिक्स हैं वो सबसे पहले यार्न से बनी होती हैं और जो यार्न है वो फाइबर से बनी होती हैं। मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न, अब हम एक ऐसी प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम यार्न से फैब्रिक बनाएंगे। तो इट इज़ डन बाई टू प्रोसेसेस, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो वर्क है वो दो प्रोसेस के द्वारा होता है। तो पहली प्रोसेस क्या है, तो पहली प्रोसेस है वीविंग की। वीविंग की जो प्रोसेस है तो इसे हम डिस्कस करते हैं। तो यानी कि द प्रोसेस बाय टू सेट्स ऑफ यार्न्स आर अरेंज्ड टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक्स, इट इज डन ऑन लूम्स, यानी कि जो वीविंग की प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो दो सेट होते हैं यार्न्स के वे अरेंज होते हैं और अरेंज होने के बाद वे एक फैब्रिक फॉर्म करते हैं। तो ये किसकी मदद से होता है, ये लूम्स की मदद से होता है। अब देखते हैं हम निटिंग क्या होता है। तो निटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल यार्न फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ डन बाई हैंड और मशीन्स, यानी कि जो निटिंग की प्रोसेस है वह इसमें क्या होता है, एक सिंगल यार्न होता है और इससे हम फैब्रिक बनाते हैं। तो यह किसकी मदद से होता है, यह जो प्रोसेस है निटिंग की, तो वह हैंड की मदद से, हाथों की मदद से या फिर मशीन्स की मदद से होता है। जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं कि इसमें हम हैंड की मदद से निटिंग की प्रोसेस हो रही है और इससे फैब्रिक एक कपड़ा बनाया जा रहा है। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात को आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।